सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यूर एब्सोल्युटली फाइन और वेरी गुड मॉर्निंग। वैसे तो अभी हो रही है गुड इवनिंग, राइट नाउ इट्स 6। और मैंने जैसे कि कल के व्लॉग में आप लोग को बोला था कि आज जा रहा हूँ कोई एक नई जगह, तो अब बता ही देता हूँ क्योंकि इस व्लॉग में तो आप लोग देख ही लोगे। वैसे भी मैं जा रहा हूँ एक हनुमान मंदिर जो कि विदिशा रोड जो है उस पर मौजूद है, मतलब सूखी सेवनिया के पास में है वो मंदिर। और मैं काफ़ी टाइम से उस मंदिर के बारे में बोर्ड वोर्ड पर देखता आ रहा था। ऐसा बोला जाता है कि वहाँ जो हनुमान जी की मूर्ति है वो ज़मीन से प्रकट हुई है। अब क्या स्टोरी है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते। ये काफ़ी लंबा जाना है, आना है, और फिर मेरी एक क्लास बची है तो वो भी लेनी है। थोड़ा लेट तो हो ही जाऊँगा डेफिनेटली, क्योंकि एक घंटे में ये सब नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं जितनी जल्दी हो सकता है। बाइक इज़ रेडी, हेलमेट रेडी, बैग रेडी, अब बस कैमरा रखते हैं बैग में और निकलते हैं सीधे बाइक पे अपन। लेकिन एक काम और करना है इस बीच में, पेट्रोल और हवा चेक, क्योंकि काफ़ी टाइम से हवा नहीं डलवाई है, तो वो भी चेक करवा लेते हैं लगे हाथ। तो चलो मिलूँ सीधे बाइक पे ही आप लोग को। तो कितनी कोशिश कर लो जल्दी निकलने की, लेकिन पाँच दस मिनट लेट तो हो ही जाते हैं यार करते करते। आज थोड़ा सा माइक में एक नई चीज़ ट्राई कर रहा हूँ, अब पता नहीं ऑडियो क्वालिटी कैसी आती है। शाम के वक्त इसलिए प्लान बनाया मैंने जाने का कि यार धूप थोड़ी कम होती है, तो इट्स क्वाइट ऐसे कि इजी या कन्वीनियंट टू राइड राइट नाउ। दिन में तो बहुत धूप हो जाती है, हालत ही ख़राब होती है। सो फ्यूल तो मैंने डलवा लिया है, लेकिन हवा डलवाना भूल गया हूँ, और इस पंप से हवा नहीं डलवाऊँगा क्योंकि यहाँ का जो हवा डालने वाला है उसका लॉजिक बड़ा अलग है। वो गाड़ी से आपको उतरवा देता है और फिर हवा डालता है। अब इसका क्या लॉजिक है, और जैसे जैसे मेरे को यहाँ की हवा में थोड़ी गड़बड़ी लगती है, मतलब जो टायर प्रेशर रहना चाहिए वो उससे कम ही लगता है, लगता ही नहीं कि हवा डाली गई है बाइक के अंदर। सो अब आते हैं कि अपन जहाँ जा रहे हैं, ये हनुमान मंदिर जो है ये सूखी सेवनिया के पास में है। तो अभी तो मैं इस वक्त अयोध्या बाईपास पे हूँ, जो लोकल भोपाल के लोग होंगे वो तो जानते ही होंगे अयोध्या बाईपास। हम आगे जाके भानपुर के नीचे से विदिशा रोड पकड़ लेंगे और उसी पे आगे जाके आ जाएगा सूखी सेवनिया। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, ये 21 किलोमीटर्स करीब था। तो आप ये मान लो अगर भोपाल ISBT से या हबीबगंज रेलवे स्टेशन से मैं बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 25 से 30 के बीच में होगा वहाँ से, ठीक है। अब इस मंदिर की कहानी ये है, जो मैंने नेट पे पढ़ी है या सुनी है उससे ये पता चला है कि आई एम नॉट राइट, लेकिन शायद सन 2016 के आसपास का वक्त था जब मजदूर वहाँ पे खुदाई कर रहे थे फॉर प्लांटेशन वर्क, और अचानक से एक मजदूर का जो गेती फावड़ा होता है वो मूर्ति के ऊपर पड़ा। तो उन्हें इनिशियल लेवल पे लगा कि यार ये तो कोई पत्थर वत्थर होगा, लेकिन जब उसे प्रॉपर तरीके से मिट्टी को हटाया गया, खोदा गया, तो वहाँ से ये मूर्ति प्रकट हुई। और माना जाता है कि ये मूर्ति काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, ठीक है। तो इतनी पुरानी मूर्ति होने की वजह से और लोगों की ऐसी मान्यता भी है कि यहाँ जाके मन्नत मांगने से मन्नत भी पूरी होती है, तो इन्हें मन्नत हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। और मैं काफ़ी टाइम से अपनी कैंप से आते जाते, हलाली पे आते जाते, इस बोर्ड को ज़रूर पढ़ता था और सोचता था कि जाऊँगा जाऊँगा जाऊँगा, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिल रहा था, कभी कोई परेशानी, कभी कोई, क्योंकि एक्चुअली क्या हलाली यूजुअली जब भी जाना होता था तो या तो कैंपिंग के सिलसिले में जाना होता था या प्रिपरेशन के सिलसिले में। अब दोनों ही टाइम पे मेरे पास समय की होती थी मारा मारी, जिस वजह से इधर उधर नहीं हो पाता था। तो आज स्पेसिफिकली मैंने इधर के लिए ही टाइम निकाला, और मैंने किसी से बात नहीं करी, किसी दोस्त को नहीं इन्फॉर्म करा। मैंने लगा कि क्या होता है फिर लास्ट मोमेंट पे किसी की वजह से अपना प्रोग्राम कैंसिल होने लगता है, तो मैंने बोला इसलिए यार खुद ही निकल लो, ज़्यादा दूर नहीं है, अकेले आराम से आ जा सकते हैं, और वैसे भी थोड़ी सोलो घूमने की भी आदत डालनी चाहिए, अच्छा रहता है कभी कभी सोलो घूमना भी। और सोलो यार आप लोग तो हो, आप लोग तो वीडियो देख ही रहे हो। अभी राइट नाउ इट्स सनसेट हो रहा है, अभी इस वक्त सनसेट होने जा रहा है। अभी भानपुर का जो ब्रिज चढ़ेंगे ना तो आपको सन दिखाता हूँ कितना प्यारा दिख रहा है इस वक्त। अब वो तो अपन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए सनसेट को तो अच्छे से नहीं देख पाएंगे, नहीं तो अगर हम
सनसेट के डायरेक्शन में जा रहे होते तो एक नंबर व्यू दिखता है इस वक्त शाम के वक्त, है ना। सो अब देखो सन, आप लोगों को इतना क्लियरली नहीं दिख रहा होगा लेकिन मेरे को दिख रहा है, लेकिन कैमरा इतना अच्छे से नहीं कैप्चर कर पाएगा, और सन काफ़ी नीचे आ चुका है इसलिए ब्राइटनेस जो होती है ना वो कम हो चुकी है। यहाँ क्या हो गया बॉस, एक्सीडेंट हो गया। ओ एक्सीडेंट हो गया, अरे गंदा वाला एक्सीडेंट हुआ है यार। पूरा ठेला पलट गया भाई का यार। भोपाल के अंदर ना एक ये चीज़ बहुत गलत है कि क्या है, लोग ना बड़ा गंदे तरीके से गाड़ी चलाते हैं। अभी थोड़े देर पहले मेरे बगल में एक स्कॉर्पियो चल रही थी, नहीं सॉरी बोलेरो चल रही थी। वो बोलेरो वाले को भी कोई खास मतलब नहीं था, कभी वो इस साइड ले ले कभी इस साइड ले ले। यार थोड़ा तो देखो कि आजू बाजू में दूसरी गाड़ी भी हैं, छोटी गाड़ियाँ भी हैं। अब देखो अभी मेरे लेफ्ट में जो ट्रक आ रहा है वो ड्राइवर एक हाथ से सिगरेट जला रहा है और एक हाथ से गाड़ी चला रहा है। अब यार आप टर्निंग पर हो, गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी चला लो, सिगरेट जलानी है तो 2 मिनट गाड़ी साइड में रुक के फिर जला लो। सो ये आ गए हम लोग ब्रिज के नीचे, यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे तो हम विदिशा रोड पे निकल जाएंगे आगे, जो विदिशा जा रही है सूखी सेवनिया होते हुए, और राइट चले जाएंगे तो हम सिर्फ भोपाल शहर मतलब ओल्ड भोपाल शहर छोला साइड में एंटर हो जाते हैं। इस जगह पर ट्रैफिक रहता ही है, ये जगह आज तक मुझे कभी खाली नहीं मिली। एक रोड और भी है वैसे, कोकता बाईपास जिस पर मैं कल गया था, उससे भी आ सकते हैं, वो रोड आगे आके मिलता है और वहाँ से सुखी सेवनिया काफ़ी पास पड़ जाता है उस टर्निंग से, लेकिन मैं उस रोड से इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरे रोड मेरे घर से अगर मैं उस रोड के थ्रू जाता तो वो काफ़ी लंबा पड़ता है अपने को, क्योंकि वो भोपाल के पूरा बाहर बाहर से घुमा के ले जाता है इस वजह से। अब यहाँ पे क्या थोड़ा सा ट्रैफिक मिलता है लेकिन अपन बाइक पे हैं तो अपने को इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है, तो बेटर है कि भैया अयोध्या बाईपास से आ जाओ। अब बस थोड़ी सी दूर बाद जाके ये रोड जो है वो कनेक्ट हो जाएगा उसी वाले रोड पे से। लेके क्या जा रहा है यार ऑटो वाला ऐसा। सो ऐसे बोर्ड पड़े थे मैंने, ये आप देख सकते हो, तो ये आ गए अपन सूखी सेवनिया। सूखी सेवनिया की पहचान ये है कि यहाँ पर ये एक सब स्टेशन है, ठीक है। तो अपन पहुँच गए सूखी सेवनिया, अभी आगे जाके टर्न आएगा जहाँ से अपने को लेफ्ट ले लेना है, और इसके आगे का रास्ता तो मेरे को भी नहीं पता, तो चल के देखते हैं क्या। और कोशिश करनी है ना कि ज़्यादा लेट ना हो अपन, रात होने से पहले पहले निकल लें, क्योंकि इस रोड की बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छी नहीं है, दैट्स व्हाई। तो सूखी सेवनिया जैसे ही ख़त्म होने वाला होगा तो आप यहाँ से टर्न लेना है लेफ्ट। यहाँ पे भी एक बोर्ड लगा हुआ है, धरती फाड़कर हनुमान जी प्रकट हुए, प्रगट हनुमान जी मन्नत मंदिर, है ना। अब इस रोड पे पूरी लाइफ में पहली बार आ रहा हूँ मैं, इस तरह से तो इस तरफ काफ़ी बार आना जाना हुआ है लेकिन यहाँ ये रोड कहाँ जा रहा है कैसा है कुछ नहीं पता, इसलिए अपन चाह रहे हैं कि बस फटाक से चलें, दर्शन करें, थोड़ा बहुत अगर शूट करने मिलता है तो शूट करें और फिर बैक टू भोपाल घर, मतलब घर क्या क्लास है नहीं एक, बस उतना ही करें अपन आज के लिए।
आई होप ये मंदिर होना चाहिए क्योंकि बोर्ड लगा हुआ है आगे, तो लग तो यही रहा है और शायद यही है। यही है। सो रोड से ज़्यादा दूर नहीं है यार। दोस्तों ये मंदिर है, यही मूर्ति निकली है पृथ्वी के अंदर से हनुमान जी की, बजरंग बली की। तो मेरा दर्शन हो गए और बहुत सारे टाइम पे पहुंचा कि आरती चल रही थी उस वक्त। सो फ्रेंड्स, सही टाइम पे हो गए मेरे दर्शन और अब मंदिर बंद होने का समय हो चुका है। 7 बजे मंदिर बंद हो जाता है, तो मैं बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचा था। और ये है मेरे पीछे मंदिर, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब वहाँ से विदिशा रोड है, उधर से वहाँ से आना पड़ता है अपने को, और रोड से कनेक्टिविटी अच्छी है इसकी, ठीक है। तो यही था आज का जो मेरा ट्रिप था, छोटा सा शॉर्ट ट्रिप। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो और बजरंगबली के भक्त हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना, और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है। मिलता हूँ कल दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ और बाय फ्रेंड्स। मैं भी जल्दी निकलूँ क्योंकि सनसेट हो चुका है अभी, लाइट्स की वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सनसेट हो चुका है, तो मैं भी जल्दी से पहुँचूँ वापस भोपाल। मिलता हूँ कल।